बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे देखने ते सुनने वाले भैनों भ्राओ, तुसां सारिआं इस एक गल देख के ये सुन के बड़ा अच्छा लग सी कि आपणी इनको दे ज़ेरे एहतमाम एक नवा सिलसिला असीं शुरू कर रहे हैं, जिसका नाँ है इनको मुहावरे ते कहावतां। तुसां पता है कि कोई भी जबान अपने अंदर मुझ सारे ये जे अल्फाज, ये जे जुमले, ये जियां चीज़ां रखती है जिड़ियां उस जबान की फसाहत ते बलागत जाहिर कर दी हैं। कहावतां ते मुहावरे ये एक किस्म की इशाराती जबान होंदी है, इस्तहाराती जबान होंदी है, और कहावतां जिहड़ियां हैं, ज़रबल मिसाल जिहड़ियां हैं, वो असल दे पुराने बोलने वाले बड़ियां बडेरियां का बड़े जमाने का तजर्बा इसमें शामिल होंदा। उस तजर्बे का नचोड़ जिहड़ा है ना, एक जुमले में एक या दो जुमलों में नचोड़ जो है ना, वह बयान किया जुलता है और वह आंदा अगले लोगों की नसीहत वास्ते। तो इसी तरह नाल असी इस प्रोग्राम में कहावतां या मुहावरे हर धड़े मतलब ना सुना सा, जिन्हां की तादाद पांच भी हो सकती है, छे भी हो सकती है। तो हाँ, एक गल याद रखनी है, अगर तुसां भरावां अच्छियां और कहावतां मुहावरे ये नाल नाल याद होवन आंदे होवन ते आपके कमेंट्स में असां नाल शेयर कर रखते हो, ताकि अगले किसी प्रोग्राम में उन्हें भी शामिल किया जाए। तो जी फिर बिस्मिल्ला करने हैं आज दियाँ चार पाँच कहावतों। तो पहली कहावत है जी, आखिया जुलदा कौल कमावा सवा लख, फेर के ना देवा एक कख। अच्छा, हुण तुसीं चंगी तरह समझदे हो कि कौल कमावा, कौल कमावा असीं क्या आखते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब जाहिर करना है, बाहवा कमानियाँ, सिरा तो मतलब सदका देना, ये कौल कमावा इस असी आखते हैं जी। कौल कमावा सवा लख, फिर कि ना देवा एक कख, यानी जदों असी गलबात करते असं उस वेले तो मतलब ये उस वेले बोली जुलती है जदों कोई बंदा झूठी मुहब्बत जिता होवें ही साड़न चाड़ता होवे, तो जेले कमां का वेला आवे, जेले अमली काम करने का वेला आवे, उस वो अपनी जान बचा जुले, उसलिए असं आखते हैं छोड़ तुद भी उम की ना, वही काम किए ना, कौल कमावा सवा लाख तो फिर कि देव एक कख जी। तो दूई काम कहावत जी, जेई सिलाई लाई अगली लो भी कटाई। अच्छा, जेई सिलाई लाई जे अगली लो भी कटाई। अच्छा, एक कहावत उस वेले बोली जुलती है जिस वेले कोई एजा काम किया जुले जिस पर फायदे दी जाई उल्टा नुकसान होया होगा, उस वेले आखते हैं और छोड़ो यार, जेई सिलाई लाई जगली लो भी कटाई। अच्छा, अगली कहावत है जी, चखने वास्ते दिता तो कोट पार के दा। अच्छा, इसका मतलब ये उस वेले असी बोलते हैं या उस वेले बोलिया जुलता है, ये मतलब ये कहावत उस वेले बोली जुलती है कि जे वेले कोई मामूली जी जान पहचान होवे तो बंदा मतलब जनाब बड़े लम्बे चौड़े तलकात जोड़े उन्होंने मतलब ना दावा करने लग जुले, यानी थोड़ी जी दुआ सलाम तो बड़ी बड़ी दोस्ती के दावे करना और फिर उस तो कोई ना कोई फायदा उठा के लेना जी। तो अगली कहावत है जी, आते अनडिठा चोर बादशाह होंगे जी। ये उस वेले बोलिया जुलता है जदों कोई बंदा कोई गलती कर बैवे लेकिन उसके कोई गवाही ना होवे, कोई शहादत ना होवे, कोई शादी ना होवे, उस तक कोई मतलब ना आन के उसके देखने वाला, उस गलती करने के दौरान देखने वाला ना होवे, तो वो मुड़ के आखना जी मैं तो की नहीं, फिर आखते और यार अनडिठा चोर बादशाह होंगे, हूँ तू जो कुछ आखसी वही भी मनना पैसे एक गल। तो अगली कहावत है जी, आख्या जुलता है इस मोतू मोया कोई नहीं पर गल सजना की याद रही है। हम तुसा पता है इंसान नाल जिंदगी में मुझ सारे मामलात ऐसे आने जिस पर कदम इंसान मुश्किलात में होंगे, तकलीफा में होंगे, तो कदम बड़े मज़े में होंगे, तो जदों कोई बंदा किसी मुश्किल में फस चुले, किसी तकलीफा में होवे, परेशानी में होवे, तो उस जे अपने करीबी रिश्तेदार, भैन भरा, सज्जन, दोस्त, संगी, वो उसके नेड़े ना हो, उसका ख्याल न करन, तो फिर उसले आखता है, उसले बंदा जदों ठीक होंदा तो आखता है इस मौतू मोया कोई नहीं पर गल सजने की याद रही। ठीक है जी, तो अज दे ये असल का प्रोग्राम अपने अख्ताम पहुँचता है, तो तुसा जिस तरह पहले दरख्वास्त की है वीडियो देखियो पसंद आवे, लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो, तो नवी कोई चीज़ अपनी मर्जी नाल जिहड़ियां पुरानियां कहावतां मुहावरे खाण ये असल नाल शेयर भी करो कमेंट्स में। तुसा बहुत बहुत शुक्रिया।